गत 26 मई को थाना पुरोला क्षेत्रांतर्गत एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक लड़की को अपहरण करके ले जाने का मामला आया था प्रकाश में। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते ही जो है थाना पुरोला में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत, और जो इसमें दो अभियुक्त जो प्रकाश में आए थे इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। बाद में इस मामले में जो लड़की का जो मेडिकल परीक्षण और उसके बयानों के आधार पर इसमें पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई, क्योंकि ये जो पीड़िता थी इसकी उम्र जो थी 14 साल बताई गई, तो इसमें पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई और इसी अभियोग के तहत जो है जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा गया और 14 दिन की जो है जुडिशियल कस्टडी पे हैं। इस मामले के पूरे तरह से प्रकाश में आने के बाद जो है कई तरह की बातें जो है मीडिया के माध्यम से कई तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। इसमें कई सारी सूचनाएं जो है भ्रामक भी हैं और अफवाह भी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की जो भ्रामक सूचनाएं और अफवाहें देने से बचें और इस मामले में जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है और गुण दोष के आधार पर इसकी जो है विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें जिस जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो शांति प्रदर्शन रैली करनी है तो इसका भी एक तरीका है, परमिशन लेके और सही ढंग से जो है आप अपनी रैली कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बट कोई भी अगर इसमें कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा और जो शहर की सुख चैन अमन जो कायम है उसको प्रभावित करेगा तो पुलिस जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी उसमें, और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को किसी भी तरह से हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का समुचित सहयोग करें।